दो तन्हा लोग एक दूसरे को साथ के अलावा दे भी क्या सकते। मेहनत की थी तुम्हारे बाप के, ने बेटे की जिंदगी की भीख मांगी थी। मैं अब अपनी मेहनत की कमाई का एक रुपया तुम्हें नहीं दूंगी। आप अपने हम मिजाज शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लें, उसी दिन से आपका ये बेटा आपके लिए मर जाएगा। देखिए रमजान स्पेशल सीरीज नसीहत 16 मार्च से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे। ये क्या कह रहे हैं आप लोग, मैं ये सब इस तरह कैसे कर सकता हूँ, ये सरासर ज्यादती है मेरे साथ। जो फैसला मैंने किया है इससे माकूल फैसला इस वक्त नहीं हो सकता। और कोई हल नहीं है, बहुत सोच विचार के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे। मगर माजबीन मुर्तार, खबरदार मेरी बेटी का नाम अपनी जबान पर लिया ना तुम। अरे छोड़ो छोड़ो शरीम, छोड़ो इसे। आप अजीब आदमी है यार, बात बात पे गिरबान पकड़ लेते हैं। आपके वालिद कुछ और कह रहे हैं और आपका एटीट्यूड कुछ और कह रहा है। देखें प्लीज, मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करता हूं, आप लोग मेरे वालदैन की जगह हैं। मैं आप लोग का यह फैसला एक्सेप्ट नहीं कर सकता, समझने की कोशिश करें, खुदा का वास्ता है। कुछ नहीं समझना, पर तुम क्या, तुम्हारे तो अच्छे अच्छे भी ऐसा ही करेंगे। अजीब मजाक है, जब तुम दूसरों की बेटियों को गलत राह पर डालकर उन्हें वरगला सकते हो, घर पर झूठ बुलवाकर घर वालों की आंखों में धूल झोंकने पर उकसा सकते हो, तो ये अचानक इंसाफ के देवता क्यों बन रहे हो? मैंने आपसे कहा ना, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। बस बेटा बस, हमारे सबर का और इम्तिहान मत लो तुम। चलो शमीम, चल के सबको ये फैसला सुना देते। चलो मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ऐसा ना कर। अरे मैं तो तुम्हें और मैजबीन को जान से मारती था। वो तो अब्बा मियाँ की वजह से आज तुम जिंदा हो, इस फैसले का शुक्र अदा करो। आप मार डालें मुझे जान से, आप मार डालें। लेकिन खुदा का वास्ता है, ऐसा ना करें प्लीज। बस अब एक लफ्ज आगे मत बोलना, समझे? चलो शमीम आओ, फैसला सुनाते हैं। प्लीज प्लीज सर, मेरी बात सुन ले। सर प्लीज मेरी बात। हमने ये फैसला किया है कि अभी इसी वक्त काजी को बुलाया जाए और हारिस का और मैजबी का निकाह पढ़वा दिया जाए। और मैजबी को हारिस के साथ रुखसत कर दिया जाए। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता पापा मियां, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप ये मत करें, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। पापा मियां मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप मेरी बात का यकीन करें। अब्बू मैं आपके पांव पड़ती हूँ, प्लीज अब्बू मेरी शादी इस तरह नहीं करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब मुझसे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। Thank you.
अम्मा भी आप तो कुछ बोले। मैं ऐसे कभी नहीं कर सकती, मैंने कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया। प्लीज आप में से कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अब मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे माफ कर दे आप लोग। तमाम घर वालों को बहुत बहुत मुबारक हो, दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बड़ी नवाजिश। कासिम, छोड़ के आओ काजी साहब को। चलो भाई, अब कब तक बैठोगी? शायद तुम भूल रहे हो, अब ये तुम्हारा घर नहीं रहा। जाओ, दफा हो जाओ यहां से। मैं तुम्हारा और इसका चेहरा जिंदगी भर नहीं देखना चाहता। तुम दोनों मेरे लिए मर चुके हो। प्यारी डोली चली लाडली की, क्या रिवायत है ये जिंदगी की। प्यारी डोली चली लाडली की, क्या छुप के वो रो रही है। आज बाप की हालत न पूछो, और माँ का तड़पना न देखो। आज बाप की हालत न पूछो, किसी की दुल्हन बन रही है। फूल ख्वाबों के तू चुन रही है। अब किसी की दुल्हन बन रही है। फूल ख्वाबों के तू चुन रही है। तेरा दामन
ले जाओ इसे, ले जाओ। मेरी प्यारी मैजिक, कोई तुम्हें कुछ भी समझे, कुछ भी कहे, मैं तुम्हारी पाकीज़गी की गवाही देता हूं। मैं जानता हूं कि तुम बेकसूर, तुम कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करोगी जिससे हमारे घर वालों का सर झुके, कभी नहीं। मैं नहीं रहा, जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि हरिस तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, बहुत खुश रखेगा। क्या किया आपने? मैं पूछती हूँ, क्या किया है आपने? ये अपने माँ बाप के फैसले में इतनी आसानी से हामी भर दी, एक बात भी आपने मुझसे मशवरा नहीं किया, मेरी बेटी की जिंदगी का तो बड़ा फैसला कर दिया। क्यों शामिल, क्या एक माँ को अपने बच्चों के सही गलत फैसले में शामिल होने का कोई हक नहीं? क्यों आपने मुझसे मेरा हक छीना? क्यों? कभी माफ नहीं करूंगी आपको, कभी माफ नहीं करूंगी। प्लीज आप कुछ मत कहिए। अच्छा, आप होटल चलेंगे या घर? जन्नत भी दिखाती है,
कई रंगों में मिलती है, वफा के गीत गाती है। दुआ है मोहब्बत, वफा है मोहब्बत, अदा है मोहब्बत, कयामत कयामत है। मगर एक रंग ऐसा है जुदाई की स्याही में, ये काली रात जैसा है। बिछड़ जाए जो उल्फत में सजा, ले जाओ इसे, ले जाओ। आती है दिलों पे चोट खाती है, मगर शिते निभाती है। सजा है मोहब्बत, जफा है मोहब्बत, जुदा है मोहब्बत, कयामत कयामत है। जो भी था, हमें महजबी की बात सुननी चाहिए थी। You're right, हमने वन साइडेड स्टोरी सुनी है, उसकी साइड की स्टोरी तो हमने सुनी ही नहीं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आज के बाद इस घर में कोई भी महजबी का नाम ना ले। बिल्कुल ठीक कह रहा है शमीम। अरे इस लड़की ने हम सबकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। हमारे खानदान का कोई मर्द भी कभी थाने कचहरी नहीं गया था। और ये देखो, थाने पहुंच गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हारिस के साथ थी ही क्यों। कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये सब कुछ साबिर भाई की वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी उस आदमी को घर में रखने की। इतनी बड़ी बात हो गई और खुद बीमारी का बहाना करके जाके चैन की नींद सो गए, यहाँ बैठे परेशान हो रहे। अब्बू की तबीयत बाकी बहुत खराब है, शायद सब भूल गए कि डॉक्टर ने क्या कहा था। डॉक्टर ने कहा था कि उनको कोई भी टेंशन या परेशानी नहीं देनी, लेकिन इस घर में उनको एक सेकंड के लिए भी कोई खुशी का मौका नहीं मिला, सिर्फ टेंशन ही मिली है। मुझे मेरी बच्ची के पास ले चलो प्लीज, मुझे उसके पास जाना। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मैं उसे रोक क्यों ना सकी। उससे बात नहीं कर सकी, मुझे रोकना चाहिए था उसे। खुदा के लिए बस करो, बंद करो अपना रोना धोना। ये तो बहुत ज्यादती है कि एकदम से उसकी शादी करवा दी और उस लड़के के साथ भी ना इंसाफी है। माजरत से, लेकिन आप अपना मशवरा अपने पास ही रखिए। नहीं चाहिए हमें ये गोरों वाली सोच, और ना ही बनना लिबरल। शमीम भाई एक्सक्यूज मी, मेरी वाइफ से तमीज से बात करें आप। अच्छा अच्छा, बस आपस में मत लड़ो तुम लोग। शमीम जाओ अपने कमरे में, और जहारा बेटा तुम भी उठो जाओ। चलो बहना, यहाँ पे तुम्हारे आंसुओं की ना कोई कदरों कीमत नहीं है। उससे कोई नहीं पूछ रहा जो इतनी बड़ी कार्रवाई करने के बाद ख्वाबो खरगोश के मजे ले रहा है ऊपर। हुसैन आरा, बस जुबान बंद करो अपनी,
अम्मा भी आप मेरी जुबान तो बंद कर देंगी, लेकिन लोगों की जुबानें कैसे बंद करेंगी? कल को जब लोग सवाल करेंगे कि ऐसी क्या वजह थी कि रातों रात राजदारी से खामोशी से बेटी का निकाह करके उसे रुखसत कर दिया, तो क्या जवाब देंगी आप? बोले सुनारा, ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम तो तमीज और तहजीब सब भूल बैठी हो। देखो, जब घर में बड़े मौजूद हो ना, तो खुद बहुत बड़ा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चलो जाओ, सब लोग अपने अपने कमरों में जाओ। जाओ चल। चलो भाई, रुबैना बेगम, सुबह फजर के लिए भी उठना है। ऐसी बात तो वो सही कह कर गई है, क्या जवाब देंगे लोगों को? भी कह देंगे कि हाशिम की वजह से बिल्कुल सादगी से हमने घर पे निकाह कर दिया, और महजबी भी यही कह गई थी कि धूम धड़का नहीं होना चाहिए, है ना? आओ चलो। ये है मेरा घर। तो आप मुझे प्लीज एक मिनट दे दीजिए, मैं आपका रूम देख लूं। प्लीज आ जाए, आपका रूम सही है, आइए। प्लीज आइए। दिस इज योर रूम। यहां जरूरत की हर चीज मौजूद है। ये घर मैंने चंद रोज पहले दिया है। एक दोस्त लंदन शिफ्ट हो रहा था तो उससे खरीदा है मैंने। बेसिक नेसेसिटीज की सारी चीजें यहां पर मौजूद हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे अपना समझ के बता दीजिएगा। शाम के इंसिडेंट में पता नहीं फोन कहाँ गुम हो गया है। मैं बाहर लाउंज में बैठा हुआ हूँ। इफ यू नीड एनीथिंग, मुझे नाम से पुकार दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। एंड आई नो इट्स बीन अ टफ डे, सो अब आप आराम कीजिए। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। Good night. मोहब्बत सी सरगम है, हर एक दिल में धड़कती है। दुआ बनके अंधेरों में हमेशा साथ चलती है। जो मिट जाए मोहब्बत में तो जन्नत भी दिखाती है। कई रंगों में मिलती है, वफा के गीत गाती है। दुआ है मोहब्बत, वफा है मोहब्बत, अदा है मोहब्बत,
कयामत कयामत है। प्लीज अब जाकर सो जाएं, बीमार हो जाएंगे ऐसे। क्यों आई हो तुम? तुम भी चले जाओ यहां से, जैसे सब चले गए मुझे छोड़ के। चारा बस। आप प्लीज ये मेडिसिन लें और ये पानी लें, इससे आपको ना नींद आएगी। नहीं खाना मुझे कुछ। एक गोली मुझे भी मिल सकती है, मुझे भी बिल्कुल नींद नहीं आ रही। जी जी श्योर, मैं लेकर आती हूँ, आप लोग के कमरे में ले आऊंगी। चलो। मेरी भी बेटी थी जिस पे मुझे नाज था, फखर था, लेकिन अब सब चकनाचूर हो गया। आओ। हारिस, 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 क्या हुआ आपको? वही ओके? आप कहाँ चले गए थे? मैं डर गई थी। मैं सुबह नाश्ते के लिए चीजें लेने गया था। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, दिस इज अ वेरी सिक्योर हाउस। ओके आइए आइए, रूम में चलते हैं। अरमान, तुम्हें उस साइको के लिए इतना बड़ा खतरा लेने की क्या जरूरत थी? हे मॉम, मैंने ये सब अर्श बाबा बबूश करने के लिए किया। बदले की आड़ में जल रहे थे और उनकी जली को दूर करने के लिए मैंने दुश्मन की हर एक चीज को जला के राख कर दिया। यू नो व्हाट मॉम, दे आर फिनिश्ड। दे आर फिनिश्ड मॉम। तुम अपने बाप के लिए जान भी दे दोगे ना, तब भी तुम्हें वो प्यार नहीं मिलेगा जो अनान को करता है। तुम सिर्फ प्रॉपर्टीज बनाते रहना और वो सारी उसके नाम करता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा मॉम, जस्ट रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ही हो रहा है, मैं ये साफ देख रही हूँ। आखिर तुम्हारी आंखों से ये यकीन की पट्टी कब उतरेगी ताकि तुम साफ देख सको? अम्मी, अजबी मेरी बच्ची, तुम्हारी, मैं तुम्हें अपनी जाने दूंगी, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, मेरे साथ रहोगी, मेरे पास होगी इसी घर में। अम्मी लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकती,
मुझे जाना होगा। मैं जा रही हूँ। मैं जबी मेरी बात सुनो। मैं जबी रुक जाओ। मम्मी। रंग है मोहब्बत के मगर एक रंग ऐसा है जुदाई की स्याही में ये काली रात जैसा है बिछड़ जाए जो उल्फत में सजा बन कर जलाती है दिलों पे चोट खाती है मगर रिश्ते निभाती है सजा है मोहब्बत जफा है मोहब्बत जुदा है मोहब्बत अरे क्या हो गया है? मैं जब भी आई थी मुझसे बातें कर रही थी इतनी अचानक से कहाँ गायब हो गई? मैं जब भी होश में आओ क्या हुआ? शायद इसने कोई ख्वाब देखा। तो मैं ख्वाब में अपनी बेटी से मिल सकती हूँ? जाने आपने उसे कहाँ भेज दिया है? जीते जी मेरी ममता का गला घोट दिया आपने। पता नहीं किस हाल में होगी वो। ऐसा मत सोचे चाची, बिल्कुल ठीक होंगी। देखो जानारा, अब महजबीन के बगैर रहने की आदत डाल दो। यूं समझो कि वो अब इस घर का हिस्सा नहीं रही। लेकिन मेरा हिस्सा है वो। अपने वजूद में पाला है मैंने उसे, इन हाथों से पाल पोस के बड़ा किया है उसे। कैसे भूल जाऊं उसे? वो मेरी बेटी है, मेरी जिंदगी है। और आप कहते कि सबर कर लो। तो फिर ये सोच कर सबर कर लो कि जिस तरह हाशिम नहीं रहा ना, बस उसी तरह तब वो भी नहीं रही। किसका पत्थर दिल इंसान है ये? कैसे मैं समझ लूं कि वो नहीं रही? मैं अच्छी बात करवाता हूं उनसे, एक मिनट रुक। क्या हुआ? फोन बंद है उनका, शायद बैटरी डेड होगी। हारिस को मिलाओ। क्या उनका भी फोन बंद है? हम थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेंगे। फिक्र मत करें चाची, मैं मिलवा दूंगा आपको उनसे। जाने कैसी होगी वो, क्या गुजर रही होगी उस पे। अब तक रो रही हो तुम? और क्या करूं, मेरी बहन के साथ जो इस घर में ज्यादती हुई है, उस पे जो क्यामत पड़ी है, उसके बाद तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे। देखो मैं ये तो जानता था कि इस घर के बड़े कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन रातों रात उन दोनों का निकाह करवा के इस घर से निकाल देंगे ये नहीं जानता था मैं। जाने मेरी बहन किस हाल में होगी, उसके तो पहले से सारे ख्वाब बिखर गए थे, और अब ऊपर से ये इल्जाम,
क्या गुजर रही होगी उस पे। तुम्हारे कोई रابطہ हुआ? नहीं। मैं भी पूरी रात कॉल्स करता रहा लेकिन फोन बंद था उनका। कासिम? क्या मैं अपनी बहन को दोबारा देख सकूंगी? इंशाल्लाह। अच्छा सोचो, उन दोनों के लिए दुआ करो कि किस्मत उनकी जिंदगी में खुशियां ही लिखे बस। इंशाल्लाह। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।